दानव साहब तुसी गल कर रहे सी कि किन्ने मुख्यमंत्री आए है, किन्ने होम मिनिस्टर आए है, किन्ने प्रधानमंत्री आए है ते चले गए आ, उन्होंने हिस्से से सेवा नहीं पी। सेवा तो उदो पैनी सी ना जदों भगवान वाल्मीक जी की दृष्टि पैनी सी, ते दृष्टि जिन्हां ते पै गई फिर सेवा भी उन्होंने हिस्से आ गई। इसलिए असी तो अपने आप को इस बड़ा खुशकिस्मत समझते हैं कि उस समय से उस तारीख का जब जिक्र होगा कि इस पवित्र स्थान भगवान वाल्मीकि जी का तीर्थ जिहड़े जी का देश दुनिया च अजूबे के तौर पर अज गिणिया जाता है, इसकी सेवा कराउण दा श्रेय संगत नूं है। कृपा भगवान वाल्मीक जी की है, मगर उस तरीक च जिहड़ी सरकार सी उह सरकार दे मुख सेवादार सरदार प्रकाश सिंह जी बादल सन, ते असी उहनां चों 18 वजीरां चों इक वजीर सी। खुशकिस्मती है कि जदों इह सारा प्रोग्राम बणिया, जदों मैनूं याद है जदों आपां ला मसाल प्रोग्राम इत्थे कीता ते ड्यूटी रणीके साहब ते दास दी लगी सी इत्थे कि सारे प्रबंध वेखणे, इसलिए शुक्र गुजार हाँ कि असी उस वेले MLA सी वजीर सी ते साडे हिस्से सेवा आई, कितें ना बणदे अगे पिछे बढ़ जाते ते कितें सेवा नहीं आउणी सी। इसलिए भगवान वाल्मीकि जी बड़ी कृपा है, थोड़े सब की बड़ी मेहरबानी है। दानव साहब मैं तो वो दिन भी वेखे हैं जदों असी इत्थे नतमस्तक हो आते सन ना जी, एक निक्की जी सड़क आती सी, निक्की जी जिहड़ा आ जाता सीगा पता नहीं मुड़दा भी सी कि नहीं मुड़दा सी, सड़क के हालात यह जे सन, जे मुड़दा भी सी तो झाड़ के वेखना पैंदा सी अपना ही है कि कोई होर आ गया, हालात यह जे सन। और वो सारी सड़क तो ही चार मार की सड़क बनाउणी, फिर इत्थे आके गुस्सा ना कोई कर जे गल होई है, अपने च सबसे बड़ी कमी पेशी है दम साहब वाकई सी, कोई सिर जोड़न नूं तैयार नहीं सी, एडा पंगा सी कि जिहड़ी माड़ी जी गल करी दी सी ते उत्ते होर ही खलारा पै जांदा सी। ये भगवान वाल्मीकि जी की कृपा हुई, बादल साहब के हिस्से वो सेवा पई कि सारिया के सिर भी जोड़ते, तो 350 करोड़ रुपया लवा के जिहड़ी सरकार कहिंदियां साडे खजाने खाली, मगर जदों गल आ गई भगवान वाल्मीकि जी की वो खजाने भी भर गए तो सेवा भी मिल गई। और मैनू वो दिन भी याद है दानव साहब थोड़ी बड़ी आप जी बड़ी मेहनत है, मैं दसा जे थां तैयार होया ना, ये जो बादल साहब का थोड़ा प्यार सी ये उस प्यार की बदौलत भी हो गई। तुसीं एक वारी नहीं अनेक वारी इस गल ते बादल साहब नाल गल करदे सी कि कुछ ना कुछ इत्थे होना चाहिए बनना चाहिए, रोकण वाले भी अपने सनक बगाते नहीं सी, मगर वो हालात बदले, सब नूं समत मिली और अज वेखो किड्डा सुंदर थां तैयार होया है। और मैनू वो दिन भी याद है, अज तुसीं याद कराती गल्लां तो कि जदों ये राव साहब निकलना सी ना जी मूर्ति की, पहला तो तैयारी मूर्ति होनी कही जी चाहिए, पहला तो इस पर बड़ी वड्डी इक कमेटी बैठी, फिर कमेटी जब बैठी तो मूर्ति का मतलब आ इस गल से भी किंतु परंतु सी कि इस तरह उस तरह करते कराते, हाँ जी बापू बादल ने कम नेड़े लाया मेरा कि भाई सोने की होवे वधिया होवे, ते फिर इस गल ते कईआं ने विचों अज तुसीं माड़ा जिहा जिक्र कीता कहिंदे जी असीं सेवा कर देंगे हो जाते मेरे अर्गे कई पैदे, मगर सेवा तो फिर वह मालक ने लैनी, तो सेवा लैनी सी बापू बादल कोलों। तो मैनू जो शरदा भावना की तुसीं गल करदे ना, वो शरदा भावना सी बापू बादल जी वेखी कि जदों ये मूर्ति स्थापना बनी, मूर्ति बनी और जदों मूर्ति नूं लै के आउणा सी पंजाब च, मैनू याद है कि सानू तां इतना चाह चढ़िया सी जी जिस दिन तुसीं मजीठे आए, फुल्लां दी बरखा नाल
ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਗਤ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭੋਗ ਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਗਰ ਠੋਕਦਾ ਠੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ। ਇਹ ਆ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੱਸਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇ ਸੌ ਹੁਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਨਿਗਾਹ ਸਵੱਲੀ ਪੈ ਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਤਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।